स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मुझे एक बग मिला जिसमें मैं बिना यूज़र के क्लिक करवाए उसका अकाउंट टेक ओवर कर सकता था, किसी भी यूज़र का। तो मतलब किसी भी यूज़र का अकाउंट टेक ओवर करने के लिए, हैक करने के लिए सिर्फ उसकी ईमेल आईडी की ज़रूरत थी बस। तो जिस कंपनी को मैंने रिपोर्ट किया था वो ये है, बाइट ब्लॉगर बेस, ब्लॉगर है ये, एल और लगेगा यहाँ पर। तो अब तो ये बग पैच हो चुका है इसलिए मैं इसको आपको रिव्यू कर सकता हूँ। ये मैंने यूट्यूब पर डाला है लेकिन ये प्राइवेट है, यह किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि उस समय क्या था कि मैं जब वीडियो अटैच कर रहा था तब अटैच नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने एक प्राइवेट वीडियो डाल के उसको उसका लिंक उनको भेज दिया। तो आइए समझते हैं क्या थी वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यह है हमारा अटैकर का अकाउंट, ठीक है, टेम्परेरी मेल है, यहाँ पर अटैकर का अकाउंट है, और ये जो जीमेल का अकाउंट है वो है विक्टिम का। ये मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया है, ये विक्टिम का अकाउंट है जीमेल पे, ध्यान रखना है, जीमेल पे है विक्टिम का अकाउंट और टेम्प मेल पे अटैकर का अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अटैकर ने अपनी मेल को कॉपी किया और एक पासवर्ड रीसेट लिंक जनरेट करवाया ताकि वो अपना खुद का पासवर्ड रीसेट कर सके। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आगे देखते हैं। अटैकर ने अपनी मेल डाली और उस रिक्वेस्ट को कर लिया बर्प सूट में कैप्चर। अब ये है पोस्ट रिक्वेस्ट फॉरगॉट पासवर्ड की, यहाँ पे अटैकर ने अपनी मेल डाली है तो जो पासवर्ड रीसेट लिंक होगा या फिर ओटीपी होगा वो इस मेल पर चला जाएगा। लेकिन सर्वर कैसे इस तरीके को हैंडल कर रहा है चीज़ों को वो देखना है। यहाँ पे अटैकर ने क्या करा, अब विक्टिम की भी मेल ऐड कर दी, कॉमा देके विक्टिम की मेल कर दी ऐड, ये देखना। क्योंकि यहाँ पे जब भी जेसन में पास होता है ना, ये जेसन है की वैल्यू पेयर में, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम एक एरे बना सकते हैं, एरे मतलब लिस्ट ऑफ डेटा, एक लिस्ट बना सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, दो दो ईमेल पास कर दें हमने। और ये सर्वर इस तरीके से काम कर रहा था कि हम कितनी भी मेल दे दें जो लास्ट वाली मेल है उसके लिए ओटीपी जाएगा, उस यूज़र नेम के लिए ओटीपी जाएगा इन सभी ईमेल को, जितनी भी यहाँ पे ईमेल लिखी रहेंगी उन सबको इस लास्ट ईमेल के लिए ओटीपी जाएगा। अब आपके केस में कोई सर्वर डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है कि पहले यूज़र के लिए ओटीपी या मेल जाएगा सभी अकाउंट में, सभी ईमेल्स में, तो वो आपको देखना होगा। तो जैसे ही ऐड करी विक्टिम की ईमेल तो क्या हुआ, फॉरवर्ड करा रिस्पांस को इंटरसेप्ट किया तो ये हमें दिख गया कि पासवर्ड रीसेट कोड सेंड हो चुका है। ओके, अब ये अटैकर अपने अकाउंट में देख रहा है कि भाई एक रीसेट टोकन आया, चलिए देखते हैं, ये आया है विक्टिम का, ये MON के, ये विक्टिम का यूज़र नेम है, अभी आप देखना OTP देख लें 257408। अब ये सेम ही OTP चला गया होगा विक्टिम के पास, ये देख लिए 257408, यानी कि विक्टिम के अकाउंट का OTP अटैकर के पास भी चला गया। तो अब अटैकर विक्टिम का अकाउंट टेक ओवर कर सकता है, किस तरीके से देख लेते हैं। OTP तो है अटैकर के पास, अटैकर ने उसको OTP डाला, उसकी ईमेल डाली और एक पासवर्ड सेट कर दिए सिंपल सा, test@1234.5 और सबमिट करा। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली विक्टिम के अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो चुका है, यानी कि अब हम विक्टिम के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए हम विक्टिम के अकाउंट में आ चुके हैं, देखिए यूज़र नेम सेम है जिसके लिए OTP आया था। तो देखा आपने किस तरीके से सिंपल वल्नरेबिलिटी से हम सभी यूज़र्स के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। तो आशा है आपको ये वल्नरेबिलिटी भी पसंद आई हो, किस तरीके से हमने सभी अकाउंट सभी यूज़र्स को हैक किया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी और नई अलग वल्नरेबिलिटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।